हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनप दोस्तों सीटा हनी बनी का ट्रेलर देखा मैंने अभी अभी दोस्तों लेट मी टेल यू एक्शन बहुत बढ़िया लगा बाकी कुछ भी उतना बढ़िया नहीं लगा बाकी जो भी सीन्स था बहुत साधारण लगा ये लगा मुझे ट्रेलर देखने के बाद एक्शन वेरी वेरी गुड the best thing in the entire trailer is its action. in fact, the action, the way it is shot, the way it is choreographed, its execution, the way it is looking, the big production value that has gone into the making of this action, action is looking big, grand. and, of course, Chaibo kar chase sequence, yafir goli bari walla sequence, yafir, varun dhawan action, ho ya, even samanthaka action, ho action, set pieces that i witnessed the glimpse of which that i saw in the trailer looking very, very good. like i said action the best thing in the entire trailer and probably the best thing in the entire series that is what action will be no doubt about it dosto baki agar main dusre scenes ki baat karu trailer mein mere ko theek tha okay okay laga kyunki yaar ek aisa stand out moment missing definitely था ट्रेलर में एक ऐसा stand-out moment जो देख के हम बोले कि भाई ये moment को यहां पर pause करके मेरे को वापस रिवाइंड मार के यही मोमेंट वापस और एक बार देखना है You know, और दो बार देखना है तीन बार देखना है बार बार रिवाइंड करके देखने वाला एक मोमेंट डेफिनेटली मिसिंग लगा मुझे इस ट्रेलर में इवन एक्शन में स्पीक सी एक्शन इज लुकिंग नाइस बट इवन एक्शन में एक स्टैंड आउट एक्शन मोमेंट डेफिनेटली मिसिंग था जो प्रॉबेबली शायद सीरीज में होगा बट uh, मेरे हिसाब से उसका एक ग्लिम्स ट्रेलर में भी होना चाहिए था तो और सुपर हो सकता था ट्रेलर बाकी देखो एक सीन की मैं जिक्र करता हूँ शिवंकित परिहार और वो जो दूसरा बंदा आके लड़ाई झगड़ा कर रहा है जो जोर जोर जो जो से चिल्लम चाली जो कर रहा है यार देखो वो सीन यार बिल्कुल कोई इंपैक्ट नहीं डाला एंड जैसे उन्होंने गाली बक दिया यार मैं बोला भाई क्या है ये इसका क्या जरूरत है यार अवॉइड गालीज निकालो गाली जरूरत नहीं है गाली का वैसे भी वो लोग झगड़ा कर रहे हैं उसमें आप गाली भी डाल रहे हो पहली बात तो वो जो सीन है जिस तरह से आके वो लोग झगड़ा कर रहे हैं या मतलब हम क्या फील करना चाहिए गुस्सा आना चाहिए या फिर क्या वो थोड़ा कॉमेडी आप दिखा रहे हो मतलब उसका जो इंपैक्ट पड़ना चाहिए था तो वो प्रॉपर तरीके से पड़ा नहीं शायद में भी सीरीज देखते वक्त पड़े क्योंकि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा बट एज अ स्टैंड अल सीन दैट सीन डिंट मेक एनी इंपैक्ट और क्रिएट एनी इंपैक्ट ऑन मेस वर्ड आई एम ट्राइंग टू से तो वो सीन एंड प्लस द गर्ल इज दैट केम इन डिंट रियली क्रिएट एनी इंपैक्ट एज अ स्टैंड अलॉन मोमेंट इन दर ट्रेलर बाकी देखो इसमें और एक सीन है जिसमें समानता था वो बच्ची के सर पे ऐसे हेडफोन्स डाल के उसको ट्रंक में छुपाती है डोंट कम आउट वगैरह बोलती है यार वो सीन ना मुझे अक्षय कुमार की जो फिल्म आई थी राउडी रातौड़ उसका याद दिलाया राउडी राठौड़ में भी वो हेडफोन पहनाता ना अक्षय कुमार बिफ़ोर यू you नो know, मैं मतलब बच्चे को बोलता है यार गाड़ी में बैठो गाड़ी से बाहर मत आना ये गाना सुनना तो वो सीन का याद ये सीन जरूर दिलाया बाकी यार एक्टर्स की अगर मैं बात करूं वरुण धवन को जो मैं ट्रेलर में जो ग्लिप्स देखा मैंने उनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा वरुण धवन वेरी नाइस वरुण इज लुकिंग वेरी वेरी गुड इवन एक्शन वाइज इज़ रियली डन वेरी वेरी वेल से मुझे थोड़ा ओके ओके लगी एवरेज टू अब एवरेज लगी नो स्टैंड आउट मोवमेंट फॉर समैन्था सो टू स्पीक इवन द ट्रेलर एंड ऑल्सो पर्सनैलिटी वैसे वेरी गुड लुकिंग एक्ट्रेस नो डाउट अबाउट इट बट उनका वो पर्सनैलिटी या और उतना उभर के नहीं आया मुझे लगता है ट्रेलर में शायद सीरीज में आए तो वो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा बट वरुण एप्सोल्यूटली रॉकड नो डाउट अबाउट इट तो यही है दोस्तों ट्रेलर एक्शन वेरी वेरी गुड बाकी सीन्स वेरी वेरी ओकेश आई एम गोइंग विथ 2.5 स्टार्स फॉर दिस ट्रेलर आपको कैसे लगा लिखकर जरूर बता रहे शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो को एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरा यूजर नेम है एट द रेट बॉलीवुड वाला चलिए फॉर द मोमेंट टाटा